हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज अपना पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हम 5 पॉइंट पढ़ चुके थे रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस का, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। ठीक है, 5 पॉइंट पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? हाँ सर, हम लोग पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर एफ, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे बेटे। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर एफ, दैट इज पॉइंट नंबर 6, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये कौन सा पॉइंट चल रहा है? रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, उसके अंदर हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे बेटे। अभी हम पॉइंट नंबर 6 में पहुंचे, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है, मियर साइलेंस मतलब चुप रहना, एक्सेप्टेंस कभी भी माना नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर चुप है तो हम उसको हां बोला बोल के नहीं बोल सकते। दिस कैनॉट बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए बी को बोला विल यू परचेज कार, रिप्लाई विद इन 7 days, क्या गाड़ी खरीदोगे? 7 दिन के अंदर बता देना। ठीक है, अब बी क्या किया बेटे, 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, वो चुप रहा, साइलेंस, वो चुप रहा। अब ये जो बी चुप रहा, क्या ये एक्सेप्टेंस के बराबर है? क्या इसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे? तो लॉ क्या बोल रहा है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बी को एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बी गाड़ी खरीदने के लिए हाँ बोल चुका है। क्या हम ये मान सकते हैं बी गाड़ी खरीदने के लिए हाँ बोल दिया है? नहीं सर, बी गाड़ी खरीदने के लिए हाँ बोल दिया ऐसा हम एज्यूम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो यही लिखा हुआ पॉइंट में बेटे, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर चुप है तो हम उसको उसका एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, वो हाँ बोला बोल के हम एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो लिखना पॉइंट नंबर 6, लिखना इसके अंदर, द एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर cannot be implied, the acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree. Offeree चुप है, इसका मतलब हम acceptance नहीं मान सकते, और his फेलियर टू आंसर, वो रिप्लाई ही नहीं दिया। हम उसको बोले 7 दिन के अंदर बता देना, वो 7 दिन के अंदर नहीं बताया बेटे, तो क्या एक्सेप्टेंस मान लोगे? नहीं सर, एक्सेप्टेंस हम लोग नहीं मान सकते। क्या रिजेक्ट किया मान सकते हैं? हाँ, रिजेक्ट किया मान सकते हैं। हम उसको बोले 7 दिन के अंदर बता देना, नहीं बताया तो किसी और को बेच दूंगा, वो 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसको नहीं खरीदना होगा, रिजेक्ट मान सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि उसको खरीदना होगा। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, क्लियर? और फेलियर टू आंसर, अनलेस, ये एक नया पॉइंट है जो लिख लो पहले फिर बताता हूं, अनलेस द ऑफरी हैज, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is acceptance. ठीक है, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is acceptance. क्या मतलब हो गया सर इसका? देखना बेटे ध्यान से, इसका मतलब क्या है?
बोल रहा है कि चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ये तो लॉ है. बोल रहा है अनलेस, कब, अगर ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट, पास्ट में कभी ऑफरी चुप रहने को एक्सेप्टेंस माना है. मतलब हम ए बी को बोला कि कार खरीदना 7 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना. बी क्या बोल रहा है, अगर मैं रिप्लाई नहीं किया तो एक्सेप्टेंस मान लेना. क्या अब ए एक्सेप्टेंस मान सकता है? हाँ सर, अब ए एक्सेप्टेंस मान सकता है. तो यही बोल रहा है कि बी अगर अपने कंडक्ट से, अपने बातचीत से ये बोल रहा है कि उसके साइलेंस रहना एक्सेप्टेंस के बराबर है, तो फिर ही एक्सेप्टेंस माना जा सकता है, और एल्स इसके चुप रहने को हम एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते. ठीक है, तो जनरल लॉ क्या है, चुप रहने का एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन जब सामने वाले का चुप रहना उसके एक्सेप्टेंस के बराबर है तो हम उसको एक्सेप्टेंस मान सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो इसके एग्जाम्पल बताओ ना सही, जो रेड में लिखे हो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? देखना बेटे, इसके एग्जाम्पल अभी मैं क्लियर करता हूं तुमको, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखाऊंगा जिसमें अच्छे से समझ में हमको आ जाएगा. ठीक है, देखना, कर्सर उधर भाग गया बेटे, मैं लेके आता हूं, आ गया इधर बेटे कर्सर. ठीक है, इधर उधर भाग जाता है हमारा कर्सर, क्या करेंगे बताओ. लेना, एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूं, फिर उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज तुम लोग एक वीकली मैगजीन में सब्सक्राइब किए या फिर एक न्यूज़पेपर के लिए सब्सक्राइब किए. तुम्हारा घर है बेटे? सर इतना बुरा घर? हाँ बेटे, घर जैसा भी घर होता है ना. तो एक घर है बेटे, ठीक है, और उसमें कौन रहता है बेटे? सर उसमें हम रहते हैं. ठीक है, हम लोग एक मैगजीन के लिए सब्सक्राइब किए हैं, या हम बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए सब्सक्राइब किए हैं फॉर 1 month, एक महीने के लिए. हम पेपर वाले को बोले कि एक महीना तक हमको मैगजीन या एक महीना तक हमको न्यूज़पेपर देते रहना. ठीक है, अब पेपर वाला भी रोज सुबह आता है हमारे गेट के नीचे से न्यूज़पेपर या मैगजीन डाल के चला जाता है. ठीक है, ऐसा चलते रहा बेटे, हम रोज सुबह गेट खोलते हैं, मस्त हमारे न्यूज़पेपर मैगजीन मिल जाते हैं, हम चाय पीते पीते मैगजीन पढ़ते हैं. हर दिन ये चला जा रहा था फॉर 1 month. 1 month ऐसा ही चला गया बेटे, और न्यूज़पेपर वाला रोज आके न्यूज़पेपर या मैगजीन देके गया. ठीक है, एक महीना बाद भी न्यूज़पेपर वाला अब भी मैगजीन दे रहा है, अब भी न्यूज़पेपर देते जा रहा है बेटे. ठीक है, और ये जो व्यक्ति है कौन, ये तुम हो, तुम भी उसको मना नहीं किए, तुम भी रोज न्यूज़पेपर लिए, रोज मैगजीन लिए, तुम भी उसको रोज यूज किए. ऐसा 5 महीना और बीत गया बेटे, टोटल कितने महीने तक मैगजीन दे दिया वो? 6 months. आज बेटे वो पैसा मांगने आया है हमसे, आज जो आया है खुश होके आया है, क्यों खुश हुआ है बताओ? आज उसको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, लेकिन हम उसको क्या कर दिए बेटे? दुखी कर दिया. क्या दुख दिए हम उसको? हम उसको बोले कि तेरे को कितना दिन का पैसा देंगे? सिर्फ 1 महीने का. वो बोल रहा है साहब 6 महीना मैगजीन दिया हूं, 1 महीने का पैसा कैसे मिलूंगा? तो तुम बोले, हम बोले थे 6 महीना देने, हम क्या बोले थे? हम बोले थे 1 महीना दे. तू अपनी मर्जी से 1 महीना के बाद भी देता रहा, तू अपनी मर्जी से 1 महीना के बाद भी मैगजीन देता रहा, तो ये हमारी गलती नहीं है, हम पैसे नहीं देंगे. तो अब मैगजीन वाला क्या बोल रहा है देखा, मैगजीन वाला बेटे सीए फाउंडेशन कर रहा था, यही पढ़ता था बेटे, पास भी हो गया था, लेकिन फिर उसको क्या मजा आया, बोला सीए इंटर नहीं करूंगा, मैगजीन बेचूंगा. अपने अपनी इच्छा है बेटे, तो वो क्या है, सीए फाउंडेशन का नॉलेज रखता है बेटे, ये जो मैगजीन वाला, ये क्या बोल रहा है, साहब आपका चुप रहना, योर मियर साइलेंस, कौन बोल रहा है, न्यूज़पेपर वाला बोल रहा है, इंग्लिश में न्यूज़पेपर वाला बोल रहा है, योर मियर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, तुम्हारा चुप रहना यहां एक्सेप्टेंस के बराबर है. क्यों? क्योंकि अगर तुमको नहीं चाहिए था 1 महीना बाद तो तुम मेरे को मना कर देते, मैं तुमको पेपर देना बंद कर देता, लेकिन क्योंकि तुम पेपर यूज करते रहे चुपचाप,
यहां तुम्हारा साइलेंस किसके बराबर है? एक्सेप्टेंस के बराबर है। और यहां पे बेटे तुमको पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत सिखा, मैं भी सीए फाउंडेशन पास कर रखा हूं, तू तो अभी सीए फाउंडेशन पढ़ रहा है, हम सीए फाउंडेशन पास कर चुके हैं, हमको भी पता है मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लेकिन समटाइम्स मियर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। कभी कभी चुप रहना एक्सेप्टेंस के बराबर होगा। यहां पे तुम चुपचाप न्यूज़पेपर यूज करते रहे, इसका मतलब तुम्हारा चुप रहना किसके बराबर है? एक्सेप्टेंस के बराबर है, और तुमको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला जो है बहुत अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जानता है बेटे, और वो सही बोल रहा है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जो 6 महीना तक पेपर पढ़ता रहा, इसको 6 महीने का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका चुप रहना एक्सेप्टेंस के बराबर है। नॉर्मली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, बट इन दिस केस साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्ट किया है मतलब पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ बेटे, अनलेस द ऑफरी हैज एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट इज साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। जब उसका चुप रहना एक्सेप्टेंस के बराबर है तो फिर उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। लिखे बेटे ये एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाला। तो ये न्यूज़पेपर वाला इतना जानता था सर, या आप ऐसे कहानी करके बताए हमको? बेटे सच में जानता था, पिछले बैच का स्टूडेंट रहा है मेरा, ये सीए फाउंडेशन कर रहा था बेटे यहीं पे, और ऐसा नहीं है कि फेल हो गया, हमारे बच्चे फेल होते नहीं है, पास हो गया है वो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, सीए इंटर किया नहीं बेचारा, क्या कर सकते हैं। चलो हम तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपना, है ना, लिखना। मिस्टर ए सब्सक्राइब्ड फॉर अ मैगजीन फॉर 1 month। मिस्टर ए सब्सक्राइब फॉर अ मैगजीन फॉर 1 month। 1 month, but the newspaper boy continues to deliver magazines for 6 months, which Mr. A silently used. Which Mr. A silently used. Mr. A चुपचाप उसको यूज करता रहा। It was held that Mr. A is liable to pay for 6 months. Mr. A is liable to pay for 6 months because here silence of Mr. A amounts to acceptance. या मिस्टर ए का चुप रहना किसके बराबर है बेटे? एक्सेप्टेंस के बराबर है। क्लियर? एक आखिरी पॉइंट बचा है बेटे, हो गया इतना? पॉइंट नंबर जी, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या फिर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या था बेटे इंप्लाइड का मतलब? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंप्लाइड? सर इंप्लाइड का मतलब, इंप्लाइड ऑफर याद है? हाँ सर, इंप्लाइड ऑफर का मतलब था विदाउट वर्ड स्पोकन और रिटन, हमारे बिहेवियर से, हमारे कंडक्ट से जो हम ऑफर दे रहे हैं, दैट वाज नोन एज इंप्लाइड ऑफर। ठीक है, वैसे ही इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा? बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, विदाउट एनी वर्ड्स
स्पोकन और रिटन, हम अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से अगर कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट विल बी नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या एग्जाम्पल दोगे सर इसका? बेटे याद है एक बस बनाया था मैं, सर बस कैसे भूल सकते हैं सर, क्या सुंदर बस बनाए थे सर आप, क्या बनाऊं इसमें मुझे आता नहीं है बेटे, सोच लो ये बस है तो दो पहिया इसका, अरे बेटे इधर टेढ़े से देखोगे तो दो ही दिखेगा ना, ठीक है तो एक बस है इसमें, ठीक है एक बस ही है, ठीक है। अब बस आके बस स्टॉप पे रुका और यहां बस के सामने लिखा हुआ है, बस कहां जा रही है, बस जा रही है लेट्स से भुवनेश्वर, बस के आगे लिखा हुआ है बेटे भुवनेश्वर जा रही है बस, ठीक है। और बस स्टॉप पे आके रुका, तुम यहां पे खड़े थे, तुम देखे भुवनेश्वर की बस आई और बस आके बस स्टॉप पे रुकी, ठीक है। ये जो बस स्टॉप पे बस आके रुका है, दिस इज अ इम्प्लाइड ऑफर। क्या इम्प्लाइड ऑफर है? कि जिसको भी भुवनेश्वर जाना है वो व्यक्ति आके बस में बैठ सकता है, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। अब तुम क्या किए, चुपचाप जाके एक सीट देख के बस में बैठ गए, तुमको भुवनेश्वर जाना था, तुम जाके सीट देखे, सीट खाली मिला, तुम जाके उसमें बैठ गए। क्या तुम किसी को कुछ बोले? नहीं सर, हम तो चुपचाप जाके बैठ गए, दिस इज नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, हम अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से अगर कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर समझ में आ गया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लें बेटे हम लोग इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का। एग्जाम्पल क्या सर? पहले नोट्स तो लिखाओ। अरे हाँ बेटे चलो पहले नोट्स लिखते हैं फिर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दूं इसमें? याद है एक कार का एग्जाम्पल दिया था, कार आके रुका कहां पे? ट्रैफिक सिग्नल में। एक बच्चा आया कार साफ करने लगा, चुपचाप कार साफ करने लगा, वो क्या है बेटे? दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। और तुम उसको देखे और चुपचाप गाड़ी साफ करवा लिए, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अब हमको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। गाड़ी साफ किया चुपचाप बिना कुछ बोले, इम्प्लाइड ऑफर। तुम देखे उसको, तुम बोले चल साफ करते रह, मन में बोले, उसको कुछ नहीं बोले, तुम बोले करता है करते रहने, मन में सोचे, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और तुमको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, लिखना बेटे। The acceptance of an offer can be made. The acceptance of an offer can be made by the conduct or behavior of a person. Without any words spoken or written, without any words spoken or written, ना कुछ बोले ना कुछ लिखे, खाली conduct से हम कोई offer को accept भी कर सकते हैं, ठीक है। Example, bus stops at a bus stop and Mr. A silently sits in the bus. This is an implied acceptance by Mr. A. Mr. A बस में जाके बैठ गया, this is an implied acceptance, ठीक है। सर और के एग्जाम्पल लिखाओगे? सर बेटे वो एग्जाम्पल लिख ले, कार के जो बच्चा आके साफ कर रहा है, ठीक है।
A child starts cleaning car at a traffic signal without being asked to do so. This is an implied offer, and the car owner silently allows the child to clean the car. वो चुप रहा, दिखता रहा, गाड़ी साफ हो रही है. This is an implied acceptance. समझ में आ रहा है बेटे? तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है बेटे रूल्स गवर्निंग ऑफर, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, हेडिंग करना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, चलो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटे रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. करना हेडिंग करना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमको पता है बहुत जरूरी है. द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अब हमको यह समझना जरूरी है कि वेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड एंड वेन द एक्सेप्टेंस इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड. ठीक है, कब उसको कम्युनिकेट हुआ, मतलब सामने वाले को पता चला, माना जाएंगे. ठीक है, अब देखना बेटे जब ए और बी आमने सामने है, फेस टू फेस है, तो जैसे ही ए ऑफर दिया वो बी को कम्युनिकेट हो गया, उसी समय कम्युनिकेट हो गया, साथ ही साथ पता चल गया, और बी जैसे ही एक्सेप्ट किया ए को उसी समय पता चल गया. तो जब दोनों पार्टी फेस टू फेस आपस में आमने सामने है तो कोई उसमें रूल्स जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. ठीक है, लेकिन जब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग जगह पे हैं ए और बी, और ये एक दूसरे से टेलीग्राम या फिर पोस्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या फिर टेलीफोन पे फोन पे लो ऑफर एक्सेप्टेंस दे रही है या फिर ईमेल में ऑफर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो जरूरी है समझना कि कब एक ऑफर को कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेटेड माना जाएगा, और कब एक एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेटेड माना जाएगा. क्लियर? तो जब फेस टू फेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां पे है बेटे? टेलीग्राम पोस्ट या फिर टेलीफोन या ईमेल्स में. ठीक है, चलो हेडिंग लिखना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. When the contracting party when the contracting parties are face to face there is no problem of communication. There is no problem of communication. But if both the parties, are not face to face, then we need rules governing
कम्युनिकेशंस, हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कम्युनिकेशंस को लेके, ठीक है। जब फेस टू फेस नहीं है तो, अगर फेस टू फेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, ठीक है। देखना, फॉर एग्जाम्पल कब कब ऐसा प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशंस थ्रू पोस्ट कॉल्स ईमेल एटसेट्रा, ये सबसे हमको प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि सामने वाले पार्टी फेस टू फेस आपस में एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं है बेटे, ठीक है। चलो अब इसके अंदर पहले हेडिंग करना बेटे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, फिर हम रूल करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। दो है ना पॉइंट, एक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और दूसरा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके अंदर सब हेडिंग बनाना बेटे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। देखना एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बेटे, ए है यहां पे, इधर बी है। ए 10 मई को एक चिट्ठी लिखा बेटे। सर आजकल चिट्ठी कौन लिखता है बेटे, ये लोग गांव में रहते हैं पुराने जमाने के लोग, और हमारा एक्ट कौन सा नया है, 1872 का एक्ट है। उस समय तो टेलीग्राम चलता था ना, तो रूल्स तो लिखा हुआ होगा ही, अब जरूरी नहीं है यूज में आए आज के जिंदगी में, लेकिन रूल्स तो लिखा हुआ है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो 10 तारीख को एक टेलीग्राम लिखा बी को और ऑफर दिया, क्या गाड़ी खरीदोगे, बी को ऑफर दिया, कब, 10 तारीख को, और उसको चिट्ठी को पोस्ट भी कर दिया। ये चिट्ठी पहुंचा बेटे बी के पास 12 मई को, 2 दिन लग गया चिट्ठी पहुंचने में, और पोस्ट पहुंचा कब, बी के पास 12 मई को, ठीक है। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, कौन सा डेट को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मानना चाहिए, 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को, चलो बताओ क्या चीज को मानना चाहिए, 10 तारीख को कि 12 तारीख को, 12 तारीख को, करेक्ट, 12 तारीख को मानना चाहिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। क्यों, क्योंकि जिस दिन सामने वाले को जानकारी मिला उसी को डेट ऑफ ऑफर बोलेंगे, क्योंकि 12 तारीख से पहले बी तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बी को पता ही नहीं कोई ऑफर है, बी को कब पता चलेगा, 12 तारीख को, तो डेट ऑफ ऑफर क्या होगा बेटे, 12 मई, समझ में आ रहा है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा, 12 मई, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए ऑफर उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जब ऑफरर ऑफर दिया उससे कोई मतलब नहीं, जिस दिन वो चीज ऑफरी को पता चला उस दिन को माना जाएगा बेटे डेट ऑफ ऑफर, समझ में आ रहा है। तो 10th में यहां पे डेट ऑफ ऑफर नहीं है, डेट ऑफ ऑफर क्या है यहां पे, 12th ऑफ मई, ठीक है। चलो लिखना हेडिंग है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, communication offer is complete when it comes to knowledge of the person to whom it is made, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मेक्स एन ऑफर, मिस्टर ए मेक्स एन ऑफर ऑन 10th मई बाय पोस्ट विच रीचेस
मिस्टर बी ऑन 12th ऑफ मे विच रीचेस मिस्टर बी ऑन 12th ऑफ मे. द डेट ऑफ ऑफर विल बी 12 मई को माना जाएगा बेटे डेट ऑफ ऑफर. जिस दिन सामने वाले पार्टी को पता चला कि ऑफर आ चुका है उस दिन को मानेंगे डेट ऑफ ऑफर. ठीक है. अब सपोज एक एग्जांपल और छोटा सा देखना. 10 तारीख को मिस्टर ए भेजा, बी के पास पहुंचा कितने तारीख को, 12 तारीख को. पोस्ट पहुंच गया 12 तारीख को, लेकिन बी 12 तारीख को पोस्ट को ओपन नहीं किया, बी 12 तारीख को पोस्ट नहीं खोला, बी उसको देखा 15 तारीख को. तो डेट ऑफ ऑफर क्या होगा, 10 तारीख, 12 तारीख कि 15 तारीख. 10 तो नहीं होगा, कंफर्म है. ठीक है, 12 होगा कि 15 होगा. तो मैं बोला जिस दिन सामने वाले को पता चला कि ऑफर आया है उस दिन को बोलेंगे डेट ऑफ ऑफर. 12 तारीख को बी को क्या पता क्या आ रखा है अंदर, खोलेगा तो पता चलेगा ऑफर है ना. तो 12 तारीख इज नॉट द डेट ऑफ ऑफर, द डेट ऑफ ऑफर विल बी 15th ऑफ मे. समझ में आ रहा है. लेकिन एक एग्जांपल और, इफ इन द अबव एग्जांपल मिस्टर बी रिसीव्स द पोस्ट ऑन 12th मे बट ओपन्स इट ऑन 15th मे देन द डेट ऑफ ऑफर विल बी 15th मे. डेट ऑफ ऑफर क्या माना जाएगा बेटे, 15 मई को माना जाएगा डेट ऑफ ऑफर. ठीक है, क्लियर. तो ये है बेटे तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. यही हेडिंग किए थे हम लोग बेटे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग. इसके अंदर दो हेडिंग है ना, एक कम्युनिकेशन ऑफर गया, नेक्स्ट बेटे हेडिंग करना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये रूल तुम्हारा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, पहले रूल लिख ले हम लोग. द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज as follows. Point number one, for offerer, offerer मतलब जो offer दिया है. ठीक है, for offerer when it is put in the course of transmission to him, as he cannot withdraw the same. क्या लिखे सर, कुछ समझ में तो आया नहीं बेटे, अभी समझ में आएगा भी नहीं, अभी चुपचाप लिखना हमको. ठीक है, पॉइंट नंबर बी, फॉर ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर.
when it comes to the knowledge of the offerer. ठीक है, तो समझ में नहीं आया लेकिन सर बेटे मैं बोला ना अभी समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे. ठीक है, तो दो पॉइंट है बेटे, एक फॉर ऑफरर और एक फॉर ऑफरी. ठीक है, अब मेरा बात सुनोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा. लिख लिए क्या बताओ मुझे सर? हम लोग लिख लिए, चलो देखना आप वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे. ए बी को ऑफर दिया, जो ऑफर पोस्ट किया 10 मई को ऑफर को पोस्ट किया, वो ऑफर पहुंचा बेटे 12 मई, 12 मई को ऑफर पहुंच गया. ठीक है, अब बी सोचा कि क्या किया जाए, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, और बी डिसाइड किया कि एक्सेप्ट करेंगे, और 15 तारीख को ये फिर से पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था यस आई हैव एक्सेप्टेड, और ये पोस्ट फिर कब पहुंचा बेटे 18 मई. ठीक है, 18 मई को ये पोस्ट पहुंच गया. इतना क्लियर है? डेट ऑफ ऑफर तो हम मार्क कर चुके हैं 12 मई को. क्या बोलते हैं? डेट ऑफ ऑफरर. ए के लिए भी वही है, बी के लिए भी वही है डेट ऑफ ऑफर. ठीक है, लेकिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है दोनों के लिए अलग अलग होगा. देखें कैसे. फॉर ऑफरर मतलब किसके लिए बोल रहा है? ए के लिए बता रहा है, फॉर ऑफरर. ठीक है, देखना. When it is put into transmission, जब इसको courier कर दिया गया to him, जिस दिन सामने वाला व्यक्ति courier कर दिया acceptance, किस दिन courier कर दिया? 15 तारीख. तो यहां पे offerer के लिए कितना तारीख है? 15 तारीख. Offeree के लिए for B, offeree मतलब B. When it comes to the knowledge of the offerer, जब offerer को पता चला acceptance हो गया, offerer का पता चलेगा बेटे 18 तारीख को जब उसके पास letter पहुंचेगा, तो offeree के लिए date of acceptance क्या है? 18th of May. ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग है. offerer के लिए क्या माना जाता है? जब जिस दिन offeree accept कर लिया, क्या उस दिन के बाद और हम मना कर सकते हैं? नहीं सर, और हम मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम offer दिए थे और वो offer accept भी हो गया है. किस दिन accept हुआ है? 15 तारीख को. तो हमारे लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 15th of May. और ऑफरी मतलब जो एक्सेप्ट किया है उसके लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? जिस दिन सामने वाले को पता चलेगा, और सामने वाले को किस दिन पता चला बेटे? 18th of May. तो 18th May क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. क्लियर? तो डेट ऑफ ऑफर एक ही होता है दोनों के लिए, लेकिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बेटे अलग अलग है दोनों के लिए. ए के लिए है 15th May और बी के लिए है 18th of May. ठीक है, लिखना एग्जाम्पल. इफ इन द अबव एग्जाम्पल मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑन 15th May and post it which reaches Mr. A on 18th of May. जो मिस्टर ए के पास कब पहुंचा? 18 तारीख को. ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टर ए. ए के लिए क्या माना जाएगा बेटे? जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया 15th May. और बी के लिए क्या माना जाएगा? जब सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिला एक्सेप्टेंस का. कब मिला इंफॉर्मेशन? 18th of May. तो ए के लिए 15 तारीख है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और बी के लिए है 18th of May इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना बेटे, इसी के अंदर है. ठीक है, वेन एन ऑफर
इज मेड बाय टेलीफोन, इफ एन ऑफर इज मेड बाय टेलीफोन और थ्रू ईमेल, टेलीफोन और थ्रू ईमेल, देन एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर. जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस पहुंच गया उस दिन माना जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई तुमको टेलीफोन से ऑफर दिया, बेटे तुम यस आई हैव एक्सेप्टेड भी बोले टेलीफोन से, लेकिन उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ और सामने वाले को ठीक से सुना नहीं, तो क्या उसका एक्सेप्टेंस बोलेंगे? ध्यान से सोच के बताना. फोन आया, तुमको ऑफर दिया गया, तुम उसको एक्सेप्ट भी कर लिए, लेकिन तुम जो एक्सेप्ट किए सामने वाले को सुना नहीं वो बात, इज दिस एन एक्सेप्टेंस? नो सर, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानते. ठीक है, लिखना. However, if the call drops, अगर फोन कट जाता है और disturbance is there in network, then there may be there may not be a valid acceptance. उसको एक valid acceptance नहीं बोला जाएगा. ठीक है, तुम हाँ तो बोल दिए लेकिन उस समय फोन कट गया, तो उसको valid acceptance बोलेंगे बेटे? नहीं सर, उसको हम लोग valid acceptance नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. क्लियर है बेटे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पहले पढ़े हम लोग और फिर पढ़े हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करना बेटे नया. रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. रिवोक करना मतलब वापस ले लेना. तो कोई ऑफर दिया था और उसको वापस ले लिया, या कोई एक्सेप्ट किया था और उसको वापस ले लिया, ये हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कब तक हो सकता है. ठीक है, तो देखना हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से ही मैं समझाऊंगा तुमको. यहां पे ये ऑफर दिया 10 तारीख को, ऑफर पहुंचा 12 तारीख को, एक्सेप्ट किया 15 तारीख को और वो पोस्ट पहुंचा 18 तारीख को. याद है इतना? ठीक है, अब ऑफर कौन दिया? ए. और एक्सेप्टेंस कौन किया बेटे? मिस्टर बी. ठीक है, तो यहां पे सवाल है कि ए कब तक रिवोक कर सकता है. रिवोक मतलब कब तक अपना ऑफर वापस ले सकता है. ठीक है, तो देखना, जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट ना हो जाए तब तक हम वो ऑफर वापस ले सकते हैं. जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया उस दिन के बाद और हम उसको वापस नहीं ले सकते. समझ में आ रहा है? तो जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब बताओ, ए के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 15 तारीख. इसका मतलब अगर ए को अपना ऑफर वापस लेना है तो कब तक ले सकता है? बिफोर 15th ऑफ मे, जब ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है उससे पहले. अगर बी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 15 तारीख को, पोस्ट कर दिया, उसके बाद और ऑफर वापस नहीं ले सकते. इसका मतलब ए के लिए जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वही क्या है बेटे? डेट ऑफ रिवोकेशन. समझ में आ रहा है? रिवोक करना लो वापस लेना. तो 15 तारीख को पोस्ट करने से पहले, बी 15 तारीख को पोस्ट करने से पहले ए अपना ऑफर वापस ले सकता है,
लेकिन वंस पोस्ट हो गया उसके बाद और हम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। वैसे ही बी कब तक अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, जब तक बी का एक्सेप्टेंस का डेट नहीं आ जाता। बी के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है बेटे, 18। तो बी क्या कर सकता है, 18 तारीख तक मना कर सकता है, मतलब 15 को वो हां बोला है, बी जो है 15 को हां बोला है, लेकिन वो मना कर सकता है कब तक, 18 तारीख तक, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहां नहीं पहुंचा है, अभी ए के पास नहीं पहुंचा। इसका मतलब बी 15 को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको सपोज का प्लान चेंज हो गया, 15 को एक्सेप्ट कर लिया, बी पोस्ट भी कर दिया, लेकिन फिर उसका प्लान चेंज हो गया, तो अब बी क्या कर सकता है, बी कॉल कर सकता है ए को, कब, 16 तारीख को या 17 तारीख को, और बोल सकता है कि मैं एक ऑफर तुम्हारा आया था, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं उसको अब कैंसिल करता हूं, ठीक है, उसको रिवोक करता हूं। लेकिन 18 तारीख को अगर लेटर पहुंच गया ए के पास, तो यहां पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया बी के लिए, अब और बी भी वापस नहीं ले सकता अपना ऑफर, ठीक है। तो ए के लिए जो था डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वही है डेट ऑफ रिवोकेशन, बी के लिए जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस था वही है डेट ऑफ रिवोकेशन बिफोर 18th मे। समझ में आ रहा है, तो रिवोकेशन का मतलब है अपने ऑफर या अपने एक्सेप्टेंस को वापस लेना। ए अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस ना हो जाए, तो ए के लिए एक्सेप्टेंस क्या है, 15 तारीख, तो 15 तारीख से पहले तक वापस ले सकता है। बी अपना एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है, जब तक बी का एक्सेप्टेंस ना हो जाए, बी का एक्सेप्टेंस का डेट क्या है, 18 तारीख, तो बी कब तक वापस ले सकता है, 18th of May तक, ठीक है। चलो लिखना, फॉलोइंग आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉलोइंग आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक ऑफर या एक्सेप्टेंस को कब रिवोक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखना, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, व्हेन इट इज put into transmission, when it is put into transmission by the offerer, when it is put into transmission by the offeree, ऑफरी जब उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, 15 तारीख को पोस्ट भी कर दिया, व्हेन इट इज पुट इनटू ट्रांसमिशन बाय द ऑफरी, देन ऑफरर कैनॉट रिवोक हिज ऑफर। दैट इज ऊपर के एग्जांपल हम ले रहे हैं, बिफोर 15th, तो रिवोकेशन कब तक हो सकता है, बिफोर 15th मे, 15 मई के बाद और रिवोक नहीं हो सकता। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक by the offeree before 15th to the knowledge of the offerer, जब तक offerer को पता नहीं चल जाता, मतलब 18 तारीख को, उससे पहले तक revoke कर सकता है। That is
बिफोर 18th ऑफ मे, ठीक है। समझ में आ गया बेटे रिवोकेशन के बारे में भी, क्लियर है? तो यही है बेटे हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वो बेटे आके यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।